हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेल मर्ज की हेल्प से आप बल्क ईमेल्स कैसे सेंड कर सकते हैं। चाहे आपको बल्क ईमेल्स की शक्ल में चाहे विशेस सेंड करनी हो या फिर ऑफिशियल लेटर्स आपको अपने एम्प्लॉयज तक सेंड करने हो, तो बल्क ईमेल्स आप सेंड कर सकते हैं। चाहे आपके कॉन्टेक्ट थाउजेंड्स हो या फिर थाउजेंड से ज्यादा हो, कितने भी कॉन्टेक्ट हो, आप एक सिंगल क्लिक में एक मिनट के अंदर सभी को वो बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके लिए, चलिए मैं आपको बताता हूं पूरा प्रोसेस। इसके लिए जो टूल आपके सिस्टम में होना चाहिए वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप कोई सा भी वर्जन यूज कर रहे हो, 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, कोई सा भी हो चलेगा। जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं मेल मर्ज प्रोसेस है, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से परफॉर्म करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा हम यहाँ पे एप्लीकेशन यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेल मर्ज के थ्रू आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं, यानी कि बल्क ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो आपका जो ईमेल आईडी है, जिस भी ईमेल से आप लोगों तक वो बल्क ईमेल सेंड करना चाहते हैं, वो आपका कॉन्फिगर होना चाहिए। और कैसे कॉन्फिगर करते हैं, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, एक शॉर्ट वीडियो, आप उसका यूज करके आउटलुक से अपना ईमेल कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ मेल मर्ज क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको आउटलुक की जरूरत नहीं है, आप वर्ड और एक्सेल से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन करते हैं, एक ब्लैक डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे 2019 यूज कर रहा हूँ। आप कोई सा भी वर्जन यूज करो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, डजंट मैटर, आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन कर लेते हैं, एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड। जैसे सपोज आगे दिवाली आ रही है, उसके बाद क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, और भी फेस्टिवल, जिस भी फेस्टिवल पे आप ग्रीटिंग सेंड करना चाहते हैं हर एक इंडिविजुअल पर्सन को उनके नाम के साथ, तो आप कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड हमने ओपन कर लिया, लेआउट में जाके मैं इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर लेता हूं, क्योंकि लैंडस्केप ग्रीटिंग कार्ड एक छोटा सा मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। मैं जो चाहता हूँ वो यह है कि हेलो के बाद जिसको मैं कार्ड सेंड कर रहा हूँ उसका नाम आ जाए, और यहाँ पर एक छोटा सा विशिंग मैसेज आ जाए। ठीक है, दिवाली मैसेज मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। ठीक है, इस हेलो के बाद यहाँ पे नाम आ जाएगा, जितने भी कॉन्टेक्ट होंगे यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली आएगा मेल मर्ज की हेल्प से, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिवाली के लिए टाइप कर दिया है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर इमेज भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने हैप्पी दिवाली का इमेज यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, और नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूं फ्रॉम निखिल शर्मा। निखिल शर्मा, ठीक है, और इसका जो अलाइनमेंट है वो मैं सेट कर देता हूँ राइट। ठीक है, इस फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ फ्रॉम निखिल शर्मा, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो मैं ये सेट कर देता हूँ, या फिर जो भी आप चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज हो गया। जो भी आप फॉन्ट कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से मैसेज जाएगा, हेलो के बाद नेम लिखा होगा जिस भी पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को मैं ये ग्रीटिंग कार्ड सेंड कर रहा हूं, और इस तरीके से हैप्पी दिवाली विश यहाँ पे चली जाएगी सभी को। ठीक है, तो अब सभी को जाने के लिए मेरे पास उन सभी की ईमेल आईडी होनी चाहिए और नेम होने चाहिए। ठीक है, नेम ना भी हो तो आप नेम इंक्लूड ना करें। तो यहाँ पर हम, जैसे कि यहाँ पर सभी को मेल मर्ज की हेल्प से सेंड करेंगे, तो यहाँ पर एक तरीके का हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल आप ओपन करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक हमने ओपन कर लिया यहाँ पे, ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास शीट एक ओपन हो गई है। यहाँ पर एक कॉलम में हम दे देंगे नेम और दूसरे में हम दे देंगे यहाँ पे ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका भी ईमेल आपको पता है उसमें आप ईमेल यहाँ पे लिख देंगे, और जिसका नेम आपको पता है यहाँ पे नेम लिख देंगे। तो सपोज जैसे मैं भेज रहा हूँ निखिल को, प्रियांक को, सचिन को, ठीक है, इसके बाद ब्रिजेश और आर्यन और नकुल। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे नेम ले लिए कुछ सेवन। आप यहाँ पे कितने भी नेम ले सकते हैं, ये आपकी वन टाइम एक तरीके की डेटाबेस लिस्ट होगी जिसमें आप कितने भी नेम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उनकी ईमेल आईडी सामने, सपोज मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ निखिल शर्मा @ bustoday.net।
ठीक है, यानी कि इस पर्सन की आईडी ये है। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी सेम ईमेल आईडी यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सबकी ईमेल आईडी तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे आपको बता दूंगा कि ये जो सभी मेल्स हैं मेरे पास इस मेल आईडी पे आएंगे और इन नेम्स आएंगे। एक मेल आएगा निखिल के नेम से, एक आएगा प्रियांक के नेम से, एक आएगा सचिन के नेम से, एक आएगा ब्रजेश के नेम से। इसी तरीके से आप कितने भी फील्ड यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं मेल मर्ज में, जो आपको अपने सैंपल में इंक्लूड करवानी है। तो इसको हम सेव कर देते हैं, सेव एज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे बल्क विशेस के नाम से इसको सेव कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया, एक शीट मैंने क्रिएट करी है एक्सेल में, नेम प्लस ईमेल। ठीक है, ईमेल वो जिन पर मुझे ईमेल सेंड करना है, ये आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे सेम इसलिए करी क्योंकि मेरे पास सभी की ईमेल नहीं है, इसलिए मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करी है और मुझे इस ईमेल आईडी पे इन सभी के मेल आएंगे, एक सिंगल मेल नहीं आएंगे क्योंकि सबके मेरे पास मेल आएंगे। ठीक है, वो कैसे आएंगे चलिए देखते हैं। तो मैंने इसको सेव कर दिया एक्सेल फाइल को डेस्कटॉप पे, किस नाम से, बल्क विशेष के नेम से सेव कर दिया। चलते हैं वापस से वर्ड की फाइल में। ठीक है, वर्ड की फाइल में हमने एक कार्ड यहाँ पे डिजाइन कर रखा है, अभी आपके सामने डिजाइन करा है। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि जिन जिन पर्सन को, जो भी मेरे कॉन्टेक्ट है, निखिल, प्रियांक, सचिन, ब्रजेश एक्सेट्रा, इन कॉन्टेक्ट को हेलो के बाद इनका नेम लिखकर आए, जिससे कि इनको एक फीलिंग आए कि हाँ ठीक है, इनके लिए मेल लिखा गया है, और उसके बाद ये सेम टू सेम मैसेज चले जाए। तो यहां पर मेल मर्ज की हेल्प से हम यहाँ पे सबके सामने इंडिविजुअल यहाँ पे नेम इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऊपर आपको मेलिंग टैब मिलेगा, मेलिंग पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको मिलेगा सिलेक्ट रिसिपेंट्स। ठीक है, सिलेक्ट रिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे, देन यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट के में जाने के बाद आप अपनी वो एक्सेल फाइल फाइंड आउट करेंगे जो आपने क्रिएट करी थी। तो डेस्कटॉप पे बल्क विशेस के नाम से मैंने ये एक्सेल फाइल क्रिएट करी थी, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने पर जिस शीट में हमारा डेटा था, जैसे सपोज ये शीट वन है और शीट वन में ये डेटा है, ठीक है, इसमें कितने भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो शीट वन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर शीट टू होती तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता शीट वन या फिर शीट टू में से आप कौन सा सिलेक्ट करें। तो शीट वन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने देखा कुछ नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना है। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, नेम और ईमेल। ये दो ऑप्शन क्यों आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो ही क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो ही कॉलम है, नेम एंड ईमेल। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई तीसरा भी होता तो तीसरा भी यहाँ पर शो होता। तो वर्ड में हमें इंसर्ट फील्ड में यहाँ पे, जैसा कि हेलो के बाद मैं चाहता हूँ कि नेम प्रिंट होके आ जाए यहाँ पे, तो नेम हम यहाँ पे कर देंगे नेम। ठीक है, जैसे ही नेम पे क्लिक करा तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट में नेम लिखकर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है मेल मर्ज का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है मेल मर्ज का वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जस्ट अब आपको क्या करना है, फिनिश मर्ज, फिनिश एंड मर्ज पे जाना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेंड ईमेल मैसेज पे क्लिक करना है, क्योंकि हम ईमेल सेंड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड ईमेल हमने क्लिक करा, सेंड ईमेल मैसेज, देन यहाँ पर आप देखेंगे कि टू में यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, नेम एंड ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल हमने सेंड करा है क्योंकि हमने एक्सेल फाइल में ईमेल के अंदर एड्रेसेस डाले, क्योंकि इन्हीं एड्रेस पे ईमेल जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करेंगे, नेम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ईमेल सेलेक्ट करेंगे। तो हमने ईमेल पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन। अगर आपको कुछ सब्जेक्ट लाइन, जैसे कि जब आपके पास कोई मेल आता है तो उसमें सब्जेक्ट भी लिखा आता है, तो हैप्पी दिवाली यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे हम दिवाली विशेष भेज रहे हैं। अगर आप न्यू ईयर विशेष भेज रहे हैं तो न्यू ईयर लिखेंगे, क्रिसमस की विशेष आप भेज रहे हैं तो क्रिसमस विशेष लिखेंगे, अगर आप ईद वगैरह की विशेष भेज रहे हैं तो ईद आप यहाँ पे लिखेंगे, हैप्पी ईद। ठीक है, देन मेल फॉर्मेट आपका HTML ही रहेगा, यहाँ पर आपके पास अटैचमेंट प्लेन टेक्स्ट HTML आ रहा है, अगर आप अटैचमेंट कर देंगे तो अटैचमेंट के साथ ही जाएगा, तो आप HTML ही यहाँ पे करें, जिससे कि पूरा आपका डॉक्यूमेंट वहां पर शो हो। देन इसके बाद सेंड रिकॉर्ड्स, आपके जितने भी आपने यहाँ पर बनाए हैं एक्सेल फाइल में, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छह कॉन्टेक्ट्स मैंने बनाए हैं, तो छह के छह के पास मेल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसलिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है 6, इसलिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल में सेलेक्ट कर दूंगा तो सबके पास जाएगा, अदरवाइज आप फ्रॉम भी कर सकते हैं दिस टू दिस। ठीक है, तो आपको सबको भेजना है तो आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही ओके करेंगे, और इस टाइम आप कनेक्ट होना चाहिए, ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस पेज पे प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर सभी नेम इंक्लूड होंगे। आप देखिए यहाँ पर आपके पास 1 सेकंड के लिए सभी नेम फ्लैश होकर आए, और दैट मीन
यानी कि वो ईमेल्स आपके आउटलुक से सेंड कर दिए गए हैं, यानी कि आउटलुक में प्रोसेस कर दिए गए हैं, जो कि आपके आउटलुक से ईमेल कॉन्फ़िगर था, उस ईमेल से सभी अकाउंट सेंड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल्स पहुंचने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि ईमेल्स को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ईमेल कब तक आता है। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी ओपन करके रख रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी ईमेल आईडी है nikhilsharma@bustoday.net, यहाँ पर मेरी जो कॉन्फिगर्ड ईमेल है जो मैंने आउटलुक से कॉन्फिगर कर रखी है, उससे मेरे पास यहाँ पे बहुत जल्द ही मेल आने वाले हैं। तो ये तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया जिसमें हमने सभी मेल सेंड कर दिए हैं बल्क में, ये तो था विद इमेज। आप चाहें तो विदाउट इमेज भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट इमेज अगर आप सेंड करते हैं कोई मेल तो उसका साइज कम हो जाता है, तो वो उन मेल से जल्दी पहुंच जाता है जिनमें मीडिया फाइल्स होती हैं, लाइक इमेजेस या फिर कोई वीडियो वगैरह होता है। तो यहाँ पे चलिए सपोज मैं आपको ये मेल भी सेंड करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने मेल मर्ज अप्लाई कर ही रखा है, सेम फिनिश एंड सेंड ईमेल मैसेज सेम हम यहाँ पे रखेंगे। हैप्पी दिवाली विश मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस बार। सब्जेक्ट लाइन HTML ही रखूंगा और ऑल रखूंगा, और टू में यहाँ पे ईमेल आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल में ईमेल की लिस्ट दे रखी है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सेम ईमेल आईडी इसलिए रखी है क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ईमेल आईडी है। आपको उस पर्सन की ईमेल आईडी यहाँ पे लिखनी है जिसको आपको मेल सेंड करना है। ओके, देन नेक्स्ट जस्ट आपको ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आपने ओके प्रेस करा, आपके सिस्टम से आउटलुक से जो ईमेल कॉन्फिगर्ड है वहां से मेल सेंड कर दिए गए हैं, और वो उन ईमेल आईडी तक पहुंच जाएंगे जिनको आपने वहां पे इंक्लूड किया है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या वो ईमेल अभी तक आया हमारे पास। ये मेरी वो ईमेल आईडी है जिस पर हमको मेल चेक करने हैं, nikhilsharma@bustoday.net, और यही मैंने यहाँ पर मेंशन करी, आप देख सकते हैं। तो चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्या हमारे पास कोई मेल आया क्या अभी तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मेल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इसको मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैप्पी दिवाली, जो पहले इमेज वाले मैसेजेस थे, जो इमेज वाले ईमेल्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, और इसके बाद जो विदाउट इमेज वाले मैसेज थे वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वन बाय वन यहाँ पे सभी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे मेल आया है, हेलो निखिल, और उसके बाद मैसेज लिखा है फ्रॉम निखिल शर्मा। ठीक है, सपोज मैं दूसरा मेल यहाँ पे चेकआउट करता हूँ, तो यहाँ पे चलिए हम दूसरा मेल ओपन कर लेते हैं। सपोज यहाँ से रैंडम मेल मैं ओपन करता हूँ जिसमें मैंने बिना इमेज वाला मैसेज सेंड करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला मैसेज जो है वो अलग नेम से आया है, हेलो ब्रजेश, यानी कि अगर ये ब्रजेश की ईमेल आईडी होती तो उनके पास ब्रजेश के नाम से ये मेल जाता, और यहाँ पे विदाउट इमेज हमने ये मेल सेंड करा। तो यहाँ पे हमारे पास लगभग सभी मेल्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हैप्पी दिवाली के भी आ चुके हैं और हैप्पी दिवाली विश जो हमने बिना इमेजेस, तो थोड़ा टाइम लगता है जिनमें इमेजेस होती हैं वो थोड़ा टाइम लगता है सर्वर को आपके मेल्स प्रोसेस करने में, लेकिन पहुंच जाते हैं, आप बल्क में आप सेंड कर सकते हैं और पहुंच जाते हैं। तो ये था एक प्रोसेस जिसमें आप बल्क मेल आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और मेल ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो प्रियांक, और इस तरीके से दिवाली विश मेरी यहाँ पर पहुंच गई। इसी तरीके से आप दिवाली विश हो, चाहे और कोई फेस्टिवल की विश हो, या फिर कोई ऑफिशियल लेटर हो, आप उनके पर्टिकुलर नेम से उनकी पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। तो गाइज ये था तरीका, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेंट मेल में अगर आप चेक करेंगे तो सेंट मेल में आपके पास सभी मेल्स आ चुके हैं जहां पर आप ये ओपन कर सकते हैं, हेलो प्रियांक, हेलो सचिन। ठीक है, यहाँ पर भी सभी चीजें आ चुकी हैं जो कि आपके आउटलुक में आप इनको चेक कर सकते हैं। तो गाइज इसलिए यहाँ पर हमने सीखा कि आउटलुक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और मेल मर्ज की हेल्प से बल्क ईमेल आप कैसे सेंड कर सकते हैं। बहुत ही काम आ सकता है आपके ये तरीका अपने रिलेटिव्स को विशेष सेंड करने के लिए, या फिर और भी किसी पर्पस से आप बल्क ईमेल्स का यूज लेना चाहें तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। जस्ट आपको वन टाइम एक डेटाबेस तैयार करना होगा जिसमें आपको नेम्स और ईमेल आईडीज की जरूरत होगी जहां पर आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।